अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज हम जा रहे हैं ग्लोबल पार्क मानसिरा और बच्चों को सबको लेके हम ग्लोबल पार्क की तरफ रवाना हो चुके हैं। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, जो ग्लोबल पार्क नहीं आए वो ज़रूर आएगा। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें झूले वगैरह हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम ग्लोबल पार्क पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल पार्क कैसा है। लेट्स सी, ये ग्लोबल पार्क की एंट्रेंस है। यहाँ से हम टिकट लेंगे और हम अंदर एंटर होंगे। जी पार्क में हम आ चुके हैं, कोई ज़्यादा रश नहीं है इस टाइम पे। एक सिर्फ स्कूल आया हुआ है यहाँ पे और झूले शूले भी अभी रुके हुए हैं। अभी हम जाएंगे और झूलों पे धावा बोल देंगे। रोहान और मलाई झूलों में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं ये लोग। इनके तो मज़े हो गए हैं, अब हमारी बारी है कि हम कौन से झूलों पे बैठे। ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे जो झूले हैं वो बच्चों के ही हैं, लेकिन हम भी किसी झूले में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। Thank you.
भाई अब हमारी बारी है, हम आपको जो है ट्रेन में बैठ के पूरे पार्क का चक्कर लगा के दिखाएंगे कि ये पार्क कैसा है। वैसे तो आपने सारे झूले देख ही लिए हैं, लेकिन जो नहीं देखा वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेन पर ही बैठी हूँ और किसी झूले पर नहीं बैठी हूँ। भाई कश्ती में मैंने भी बैठना था बट रूहान ने बहुत तंग किया इसलिए मैं कश्ती पे नहीं बैठी। और मेरी भाभी और कज़न बैठ चुके हैं, उनको देख के मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ कभी भी शुरू कर रही हूँ लेकिन वो इन्जॉय कर रहे हैं। चलें जी, हमारे जाने का टाइम हो चुका है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग यहाँ आए और आपको यहाँ आके कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।